हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। समुद्र मंथन के अवसर पर एक समय उसने अकेले ही मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे सारा सागर शुद्ध हो गया था। उसे वर प्राप्त है कि जो कोई उसके सामने युद्ध करने जाएगा, उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। रघुनंदन, ये मैंने बाली के अनुपम पराक्रम का वर्णन किया है, आप उसे युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे? प्रभु, आइए प्रभु, विराजिए। प्रभु, महाराज सुग्रीव आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? महाराज को कुछ आशंका है। आशंका? कहो मित्र, कैसी आशंका है? ऐसी कोई आशंका तो नहीं है प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य निभाएंगे और बाली को मार गिराएंगे। फिर भी मेरा यह कर्तव्य है कि इससे पहले कि आप बाली से टक्कर लें, आपको उसके वास्तविक बल का ज्ञान करा दिया जाए। अच्छी बात है मित्र, बताइए उसका बल। प्रभु, बाली के शरीर में धरती, जल, अनल, अनिल इन चारों तत्वों का सम्मिलित बल है। समुद्र मंथन के अवसर पर एक समय उसने अकेले ही मंदराचल पर्वत को घुमा दिया था, जिससे सारा सागर शुद्ध हो गया था। उसे वर प्राप्त है कि जो कोई उसके सामने युद्ध करने जाएगा, उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। वो सूर्योदय से पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक घूम आता है और उसे थकान नहीं होती है। आठों दिशाओं के अंत तक जाकर वो अधिष्ठित अष्ट मूर्तियों की पूजा दिन प्रतिदिन किया करता है। पूर्व काल की बात है, एक दुंदुभी नाम का असुर रहता था। उसकी ऊंचाई कैलाश पर्वत के समान थी और उसमें 1000 हाथियों का बल था। भैंसे का रूप धारण किए अपने तीखे सिंगों के कारण वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। दुंदुभी अपने बल के मद से चूर समुद्र तट पर गया और उसने समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। समुद्र ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे जितना बल नहीं, तुम किसी बराबर वाले से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा योद्धा? तुम उत्तर दिशा में जाओ, वहां हिमवान पर्वत को ललकारो। यह सुनकर दुंदुभी ने हिमालय पर जाकर हिमवान को ललकारा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। मैं तो परम तपस्वी और ऋषियों के साथ रहता हूं, युद्ध करना मेरे पराक्रम में नहीं है। तुम अपने समान किसी वीर से जाकर लड़ो। कहां मिलेगा ऐसा परम वीर? दक्षिण में बांदरों का राजा बाली तुम्हारे टक्कर का योद्धा है, वो महाबली ही तुम्हारे लड़ने योग्य है। बाली, ओ बाली, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूं। बाली, बाहर निकल। बाली शत्रु की ललकार को कभी सहन नहीं कर सकता। वो उसी समय नगर के द्वार पर आ गया और दोनों में एक भयानक युद्ध आरंभ हो गया। उस लड़ाई में बाली ने दुंदुभी को मार गिराया। उस समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा खून गिरा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाली ने उसके निष्प्राण शरीर को दोनों हाथों से उठा लिया और उसे बड़े वेग से चारों ओर घुमाकर बाहर फेंक दिया। इस गुफा के बाहर वन में दुंदुभी की हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है, और वहीं ताड़ के मोटे मोटे 7 वृक्ष हैं, जिनकी शाखाएं सब ओर फैली हुई हैं।
बाली प्रत्येक वृक्ष को एक ही बाण से वेध सकता है। रघुनंदन, यह मैंने बाली के अनुपम पराक्रम का वर्णन किया है, आप उसे युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे? महाराज सुग्रीव, आप मुझे वो ताड़ के सातों वृक्ष और दुंदुभि की अस्थियों का ढेर दिखा दीजिए। श्री राम जी, वो देखिए, दुंदुभि दैत की अस्थियों का ढेर वहां पड़ा हुआ है, और उधर देखिए ताड़ के सात वृक्ष। बाली की भुजाओं में इतना बल है कि जब वह बाण चलाता है तो उसका बाण ताड़ के वृक्ष को भेद कर पार निकल जाता है। मेरी धृष्टता क्षमा करे नाथ, बाली का शरीर वज्र के समान है, आप उसके शरीर पर जिस बाण से आघात करना चाहते हैं उस बाण की शक्ति को परख लेना उचित होगा। अच्छी बात है। हैं आप मित्र, चलिए उन ताड़ के वृक्षों को भी देख लिया जाए। चलिए प्रभु। श्री राम, आपकी जय हो। अब तो अपने मित्र की बात पर विश्वास आ गया ना? क्षमा करें प्रभु, अब मुझे अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास है। तो फिर चलो किष्किंधा, और चलकर उस वाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। चलिए